सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक ओवरऑल रिव्यू, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से दिखती है और किस तरीके से ये आप लोगों को परफॉर्मेंस देती है और किस तरीके से इसका ओवरऑल रिव्यू है। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको फ्रंट से थोड़ा बहुत लुक दिखाते हैं किस तरीके से देखने में जो आपको मिल जाती है। ओवरऑल एक ओल्ड रॉयल एनफील्ड से इंस्पायर्ड है, तो ये आपको उस तरीके से ही देखने को मिलेगी। हाइलोजन आपको इसके अंदर बल्ब देखने को मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर, हाइलोजन आपको यहाँ पर एक पार्किंग लाइट्स देखने को मिल जाती है, शॉकर अब्जॉर्ब जो है ओल्ड ही देखने को मिलते हैं, ABS आपको साइड में देखने को मिल जाती है, डिस्क ब्रेक। और बात कर लेते हैं मीटर की, तो वो एनालॉग विद डिजिटल मिलता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया है। यहाँ पर जो एम्पियर की बैटरी एम्पियर की यहाँ पर आती थी एक सुई, वो हटा दी गई है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैचिंग दे दी गई है। चलो, रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया कि अब यहाँ पर हमें फ्यूल की दिक्कत नहीं होगी, फ्यूल का हमें आइडिया लगेगा। बैटरी का साइन आ रहा है, ABS का साइन आ रहा है, यहाँ पर हमारे को इंडिकेटर का साइन मिल जाता है लेफ्ट और राइट करने का, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को मिल जाता है ये लाइट का बटन और की कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है हमें रॉयल एनफील्ड की। प्लस यहाँ पर स्विचेस की जो है कुछ हंटर में भी ऐसा ही देखने को मिलती है हमें, क्वालिटी जो है स्विचेस की आप लोग देख सकते हो। और ये हॉर्न है कुछ इस तरीके का, फ्यूल टैंक जो है बिल्कुल मैट फिनिश के अंदर है और E20 अभी बिल्कुल लेटेस्ट BS6 मॉडल है। और ये सेल्स का बटन है और ये आपका हैजार्ड का बटन ऑन किया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ, जो कि हैजार्ड इसके इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर्स जो इसके हैं वो हैलोजन में देखने को मिलेंगे आपको। थोड़ा हम सीट की तरफ आते हैं, सीट में आपको यहाँ पर आर की रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने को मिलेगी मैट फिनिश के अंदर। आपकी जो सीट है कुशन वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करते हैं थोड़ा नीचे से, तो यहाँ पर सेम आपको चीज़ देखने को मिलेगी, रॉयल एनफील्ड का एक पावरफुल इंजन और फुटरेस्ट रॉयल एनफील्ड की बैचिंग के साथ लेग गार्ड्स, ये मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट होते हैं। थोड़े बैक की तरफ आते हैं तो बैक में आपको सेम हैलोजन लाइट मिलेगी गोल सी और इंडिकेटर्स सेम हैलोजन, और बैक में भी आपको देखने को मिल जाता है ABS। ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है रॉयल एनफील्ड का। तो इसका आपको ऑनरोड प्राइस जो पड़ जाता है वो 260,000 रुपये पड़ जाता है। सो 260,000 में वर्थ है, बहुत अच्छी बाइक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिरर इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, गोल एकदम गोल है देखने में। बाकी आप अगर कहोगे तो मैं आपको एक रॉयल एनफील्ड का एक राइडिंग रिव्यू भी दे दूँगा। आई होप सो आपको एक छोटा सा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसकी एक बार आपको आवाज़ सुना देते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के साथ बने रहना है। इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है, जो कि आप अगर प्लान कर रहे हो क्लासिक 350 लेने की तो आपको करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तब तक के लिए गुड बाय।